प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिन को जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मज्जतम। गरीब जो सुमरै सिद्ध होई गण नायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गण नायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋद्धिदाता सोई अवगत गुणे अतीतम सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावें पूजे आद गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावें समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावें। 33 कोटि आधारा धावें सेंस 88 उतरे बौजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावें सेंस 88 उतरे बौजल पारा कट है यम की फांसी। सत्साही कर जोरू विनती करूं दरू चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो में बंदी जम गुलाम।
कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जाखें चोहा जाऊं तो करो तो बावड़ो, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले, जय अब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर साई मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आज अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नाही। तुमरे बिसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हारे, भावे बंदा बख्श दियो हो, भावे गर्दन उतारो। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्शे कबरे विकार, तुम दाता दुख बंजना, मेरी करो संभार। सूरत करो मम साईया, हम हैं भव जल माही, आप ही बह जावांगे, जो तुम न पकड़ोगे बंदी। छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे कागज जहाज का, सूजत और न ठोरे। परम पिता परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी हैं। ये वो परमात्मा हैं जिन्होंने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, हम सब के कुल मालिक हैं। वही परमेश्वर सतलोक से, अपने अमर स्थान से, शाश्वतम स्थान से, अर्थात सनातन परम धाम से गति करके आता है, वहां से चल कर आते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, अच्छे श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं। उनसे भगवान का यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं, अपने से परिचित कराते हैं और सचखंड को दिखाते हैं, ताकि ये प्यारी आत्माएं मुझे पहचान सकें और मुझे देखकर सतलोक से परिचित होकर के ये फिर मेरे समर्थक बन सकें। परमात्मा
तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए स्वयं ही आते हैं। वो स्वयं ही एक भक्त की भूमिका भी करते हैं, जो एक परमात्मा के भक्त में, श्रद्धालु में जो जो गुण होनी चाहिए, विशेषताएं होनी चाहिए, वो भी परमात्मा स्वयं ही एक उदाहरण के लिए आप ही यहाँ चित्रित करते हैं, एक लीला करते हैं। एक अच्छे शिष्य में क्या योग्यता होनी चाहिए, वो भी परमात्मा स्वयं ही एक उदाहरण के लिए रोल करते हैं, भूमिका करते हैं। और तत्वदर्शी संत वो स्वयं ही आकर के यहाँ सब तत्वदर्शी संत रूप में परमात्मा यानी अपने बारे में यथार्थ ज्ञान अपने मुखारविंद से उच्चारित करते हैं, और फिर वो उन प्यारी आत्माओं के द्वारा लिपिबद्ध कर लिया जाता है, लिख लिया जाता है, जो आज हमारे समक्ष है, आज हमारे काम आ रहा है। परमात्मा का वहाँ से चलकर आने का उद्देश्य क्या था? परमात्मा तत्वदर्शी संत की भूमिका करने क्यों आए, क्या आवश्यकता है उनको यहाँ आने की? क्योंकि हम सभी यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हैं। हम सभी प्राणी काल के 21 ब्रह्मांडों के अंदर हम कैद हैं, और इसने हमारा दुरुपयोग कर रखा है। हम इस काल यानी 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म के पुत्र नहीं हैं, हम ब्रह्म की संतान नहीं हैं। ये तो हमसे अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। हम पूर्ण परमात्मा कबीर देव की संतान हैं, हम उनके बच्चे हैं। चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान, ईसाई या सिख या कोई भी प्राणी 21 ब्रह्मांड के अंदर बंद है, हम इस काल के नहीं हैं। लेकिन हमें यथार्थ ज्ञान ना मिलने से, परमात्मा की परिभाषा से हम परिचित ना होने से, हम इस काल को यानी ब्रह्म को, अर्थात जिसे सर्वपुरुष भी कहते हैं, सर्वपुरुष, इसी को पूर्ण परमात्मा मान के और इसके द्वारा दिए हुए ज्ञान पर हम आधारित हो गए। इस काल को यानी ब्रह्म को, इसको काल कहो, सदाशिव कहो, काल रूपी ब्रह्म कहो, यही महाविष्णु महाब्रह्मा महाशिव रूप में रोल करता है। इस काल को 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने का एक श्राप लगा हुआ है। इसने सतलोक के अंदर, जहाँ हम सभी प्राणी रहा करते थे, जहाँ जन्म मृत्यु नहीं होती थी, कोई कष्ट नहीं था, कोई रोग नहीं था, सदा युवा शरीर रहता था, राग द्वेष नहीं था, भाई बंटवारा नहीं था, भगवान के दरबार से भरे भंडार हमें उपलब्ध थे, हर वस्तु की वहाँ पर पूर्ति होती थी, किसी चीज़ का अभाव नहीं था। हम अपनी नालाकी से, अपनी गलती से इस काल के ऊपर आसक्त होकर इसके साथ यहाँ इसके लोक में आ गए। इसने, इस काल भगवान ने अर्थात सर्वपुरुष ने, गीताजी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष यानी प्रभु बताए हैं। एक सर्वपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष है तू अन्य। तो जो सर्वपुरुष है, ये काल है, इसी को ब्रह्म कहा जाता है। वैसे तो ब्रह्म का अर्थ परमात्मा होता है, प्रभु होता है, स्वामी होता है, लेकिन कौन कितना स्वामी है, इस दृष्टिकोण से फिर परब्रह्म शब्द की आवश्यकता पड़ी, यानी ब्रह्म से नेक्स्ट।